फिल्म पद्मावत के खिलाफ हरियाणा को सुलगाने वाले बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सूरजपाल फिल्म पद्मावत को लेकर दिए बयानों के कारण सुर्खियों में रहे, जिसके बाद विवादित बयान देने पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया था। गुड़गांव के भुंडसी जेल से जमानत पर रिहा होने के एक दिन बाद ही बीजेपी की हरियाणा इकाई के नेता सूरजपाल अम्मू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अम्मू उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने पद्मावती फिल्म का विरोध करते हुए फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के सिर काटने पर 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्हें एक दिन बाद ही अदालत ने 4 दिन के न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया था। अम्मू के इस बयान पर बीजेपी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था और बाद में उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था। सूरजपाल अम्मू ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पद्मावत की सभी राज्यों में रिलीज करने की इजाजत देने की केंद्र और शीर्ष न्यायालय की कार्रवाई से दुखी हूं। इससे राजपूत समुदाय के लोगों की भावना आहत हुई, जिसका परिणाम हिंसा रही। सूरजपाल आगे कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि हरियाणा और केंद्र सरकार ने इस पूरे विरोध को आतंकवाद और असामाजिकता का नाम दिया। निवेला की रिपोर्ट।